नमस्कार, आप जो रहा छो टीवी 9। गुड आफ्टरनून गुजरात, साथ हूं छु जगदीश। समाचार की शुरुआत एक महत्वपूर्ण एक मोटा समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कोरोना काल में आज एक वक्त फरी देश ना लोगों ने सांजे 5 वागे संबोधन करवाना छे। प्रधानमंत्री ना कार्यालय तरफ थी ट्वीट करीने आ अंगेनी विगतवार जानकारी आपी देवामां आवी, जेने लईने वडाप्रधाने आजे पोते ट्वीट कर्युं अने लोकोने तेमां जोडावा माटे अपील पण करवामां आवी। पीएम मोदी कोरोनानी हालनी स्थिति पर बोली शके, आ साथे तेओ कोरोनाथी बाळकोनी सुरक्षानो प्लान पण बतावी शके छे। कोरोना काळ वच्चे राहत पेकेजनी पण जाहेरात थाय તેવી પણ શક્યતાઓ રહેલી છે। આજથી અનલોકની શરૂઆત મુદ્દે અને આવનારા સમયમાં કેન્દ્ર સરકારના પ્લાનિંગ મુદ્દે પણ તેઓ કોઈક જાહેરાત કરી શકે। ત્રીજી લહેર માટે દેશ કેટલો તૈયાર, આ અંગે પણ બોલી શકે પીએમ મોદી। આ પહેલા મોદી કોરોના કાળમાં દેશના લોકોને કુલ 8 વખત સંબોધન કરી ચૂક્યા છે। તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કયા મહત્વના મુદ્દાઓ પર સંબોધન કરવાના છે તેની પર રહેશે સૌ કોઈની નજર। ત્યારે વધુ માહિતી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે પોલિટિકલ એડિટર આમોદ રાય। સૌથી પહેલા આમોદજી, હમ યે જાનના ચાહેંગે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજ સંબોધન કરને વાલે દેશવાસીઓ કો શામ કો 5 બજે, આપકી ઓર સે યે જરા બતાએ કે ક્યા હો સકતે હૈ ઉનકે સંબોધન કે અંશ, આપકા તર્ક ક્યા કહેતા હૈ ઇસ બારે મેં। देखिए, प्रधानमंत्री आज 5 बजे देश को राष्ट्र को संबोधित करेंगे, ये बात जगजाहिर हो चुकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी प्रधानमंत्री क्या बोल सकते हैं, इसको लेकर लोगों में जिजूसा बढ़ी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री आज जो अनलॉक कई राज्यों में हुआ है और आज से बाजार खुले हैं, लोग सड़कों पर आए हैं, अपने दफ्तरों में जा रहे हैं, तो इसको लेकर जो सेकेंड वेव कोरोना का आया था और जिस तरह से हाहाकार पूरे देश में मचा था, उसको लेकर प्रधानमंत्री आज लोगों को आगाह कर सकते हैं, उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप किस तरह से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाते हुए अपने कार्यस्थल पे जाएं, बाजारों में निकलें, तो क्या किस तरह से अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रखें ताकि आगे फिर से भयावह स्थिति पैदा ना हो। क्योंकि सरकार तो केवल इसकी मैनेजमेंट कर सकती है, इसको ठीक करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन बीमारी न पसरे ये समाज के हाथ में है, आम आदमी के हाथ में है। तो प्रधानमंत्री एक गुजारिश कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं देश की जनता के सहित कि आप अपने आप को कैसे कोरोना से बचाएं। दूसरी बात कि जो महत्वपूर्ण बात है कि वैक्सीनेशन पूरे देश में लगाया जा रहा है और कोविड का एकमात्र उपाय भी कोविड से बचने का यही है कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लग जाए। तो प्रधानमंत्री ये लोगों को उत्साहित कर सकते हैं कि अगले कुछ दिनों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बहुत तेज और बहुत बड़े स्तर पर होने जा रही है। जब ये माना जा रहा है कि एक एक दिन में एक एक दो करोड़ डेढ़ करोड़ लोगों को भी वैक्सीन लगाया जाएगा, तो वैसे बढ़कर कैसे लोग हिस्सा लें और वैक्सीनेशन अपना अपना करवाएं ताकि उन पर कोरोना का इफेक्ट ना हो, या हो भी कोरोना तो बहुत हल्का हो। जिस तरह से अभी तक सिम्टम दिखे हैं कि वैक्सीनेशन लेने के बाद जान जाने का खतरा बहुत कम हो जाता है, अगर लोगों को हो भी रहा है तो बहुत जल्द ठीक हो जा रहे हैं। लिहाजा प्रमोशन इस बात की हो सकती है, वो कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बूथों तक जाएँ और वैक्सीनेशन करवाएं। और तीसरी बात ये भी मानी जा रही है कि चूंकि कोरोना के लिए लॉकडाउन जो राज्य सरकारों ने लगाया था और राज्य सरकारों ने एक महीना, कहीं डेढ़ महीना, कहीं दो दो महीना से लॉकडाउन की स्थिति है, तो संभव है कि कोई इकोनॉमिक अनाउंसमेंट भी, इकोनॉमिक पैकेज की बात भी कह सके, लेकिन इसकी संभावना उतनी नहीं नजर आ रही है। मुख्य तौर पे वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैसे लोगों को अपनाना चाहिए, कैसे एहतियात बरतना चाहिए और कैसे आज जब सेकंड अनलॉक हुआ है उसके बाद अपने आप को लोग जिंदगी जीने के लिए रास्ते पर निकले, लेकिन व्यवहार में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर और इन सब चीज़ों का प्रयोग करें, इसको लेकर प्रधानमंत्री देश की जनता को संबोधित कर सकते हैं। बिल्कुल आमोद जी, शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सांजे 5 वागे देशवासियों ने संबोधन छे। लगातार कोरोना काल समय दरमियान 8 वक्त संबोधन कर चुक्या छे। आजनु आ संबोधन एटला माटे महत्वपूर्ण रहेशे कारण के घणा बधा एवा मुद्दाओ छे। शैक्षणिक सत्रनी पण शरूआत थई छे, त्रीजी लहेर बनी शके के आ तमामनी वच्चे सरकारनुं कई रीतनुं हवे आयोजन रहेशे, सरकार कया मेनेजमेंटथी हवे आगळ वधशे तेने लईने पण तेओ कंईक प्रकाश पाड़ी शके छे।